देसी घी से बनी हुई मिठाइयों की बात ही अलग होती है, लेकिन जिन मिठाइयों को आप देसी घी वाला समझते हैं उनमें से ज्यादातर में घी केवल नाम के लिए यूज किया जाता है। पर जो मिठाई हम आपको आज दिखाने वाले हैं, इस मिठाई का मेन इंग्रेडिएंट ही देसी घी है। तो अगर आपको घी जरा मरा सा भी पसंद है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले इसके अंदर देसी घी डाला जा रहा है। भैया कितना घी डलेगा इसमें? 500 ग्राम। अच्छा, अभी आधा किलो डलेगा। घी के बाद इसमें डाली जा रही है सम्नक, और सम्नक के बाद इसमें मैदा डाली जा रही है, और अब 10 लीटर इसमें पानी डाला जाएगा। अब इसमें 3 किलो चीनी डाली गई है गाइस। अब इसे उबाला जाएगा। ये देखिए गाइस, उबाल आ चुका है इसमें। अब उबलने के बाद इसे छाना जाएगा। ये देखिए, तो ये मलमल का कपड़ा लिया है जिसमें छाना जा रहा है। अब छानने के बाद देखिए, फिर से कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी तेज आंच पे इसे उबाला जा रहा है अब। और जरा सा कढ़ाई में उबल के बिल्कुल ऊपर तक आ चुका है। बहुत बड़ी कढ़ाई है, पूरी भर चुकी है इससे अभी। और आप फ्लेम्स देखिए, कितनी हाई फ्लेम से पकाया जा रहा है इसको। 15 मिनट से इसी तरीके से उबल रहा है ये देखिए, पूरा कढ़ाई भरकर। तो जितना भी पानी है पूरा सुखाया जाएगा इसे उबाल उबाल कर। कोई 1 घंटे पकाया गया है, देखिए आधे से ज्यादा पानी इसका सूख चुका है, गाढ़ा हो चुका है। भैया आप क्या होगा इसमें? घी डाला जाएगा। घी कितना डालेगा भैया? मतलब थोड़ा थोड़ा घी डाला जाएगा, फिर से घोटा जाएगा। तो देखिए हल्की सी घुटाई हुई है थोड़ा सा घी डालने के बाद, और अब फिर से घी डाला जा रहा है इसके अंदर, और अब फिर से घुटाई होगी। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके 7 किलो घी डाला जाएगा इसमें और घोटा जाएगा। और आप ये देखिए, जैसे जैसे इसकी घुटाई हो रही है इसका कलर बदलता जा रहा है और ये गाढ़ा होता जा रहा है। अभी इसमें और भी घी डलेगा, तो घी इसमें कंटिन्यूस डलता रहेगा आधे घंटे तक, और घुटाई भी चलती रहेगी। जो घुटाई की आवाज आ रही है उससे ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कितनी मेहनत से, कितनी ताकत से पलटना चलाया जा रहा है इसके अंदर। घी डल डलकर देखिए टेक्सचर इसका कैसा हो चुका है, आवाज सुनिए आप। और अभी भी घी इसमें कंटिन्यूस डलता ही जा रहा है, ये आप आवाज सुनिए, मतलब कितना लचीला हो चुका है ये। कोई आधे घंटे से घोटने के बाद अब इसके नीचे आग जला दी गई है, और अभी से बहुत हाई फ्लेम से पकाया जाएगा। भैया कितनी देर पकेगा ये? आधा घंटा पकेगा। गाइस आप लपटे देखिए आपकी, बहुत हाई फ्लेम पर आधा घंटा पकाया जाएगा अब इसको। कोई 20-25 मिनट हो चुकी है अभी से पकते पकते भी, बहुत हाई फ्लेम पर, और टेक्सचर इसका फिर बदल चुका है। अब इसकी आंच जो है कम कर दी गई है, अब ये तैयार हो चुका है, अब इसे उतारा जाएगा। और आप कढ़ाई देखिए कितनी हैवी कढ़ाई है ये। अब ये कटोरी आ चुकी है जिसके अंदर अपना सोन हलवा लगाया जाएगा। इनमें पहले बादाम डाला जा रहा है, बादाम के बाद लगाए जा रहे हैं काजू, और थोड़ा सा पिस्ता डाला जा रहा है। तो ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स का बना है, ये सोन हलवे के ऊपर बनके तैयार होगा। आप देखिए, जो अपनी कटोरी है जिनके अंदर ड्राई फ्रूट्स लगाए जा चुके थे उनके अंदर इसे भरा जा रहा है। तो ये कटोरी की शेप में बनके तैयार होगा अपना हलवा। तो ये भैया आप एकदम निकाला जाएगा वरना जम जाएगा। तो देखिए जितना भी हलवा है फटाफट अपना सारा निकाला जाएगा कटोरियों में, जिनमें पहले से ही हमने ड्राई फ्रूट्स लगा लिए हैं। केवल घी से और चीनी से बनी है मिठाई है। जितना भी अपना सोन हलवा था सारा कटोरियों में बाहर निकाला जा चुका है। कोई 5 मिनट हो चुकी है, ठंडा हो चुका है। भैया आप क्या किया जाएगा इसमें? आप पलटा जाएगा, पलटिए। तो कटोरी पलट के बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए जितनी भी कटोरी है सारी अब पलटी जाएंगी, और फिर इन्हें बाहर निकाला जाएगा। अब देखिए जितना भी अपना हलवा है सारी कटोरी पलट दी गई है। तो ये देखिए अपनी अब सारी कटोरियां उठाई जाएंगी, और इनके अंदर से देखिए हलवा तैयार निकल रहा है बिल्कुल। जो ड्राई फ्रूट कटोरे में नीचे लगाए गए थे वो अब पूरा डिजाइन बनकर बाहर निकला, और घी की वजह से शाइन आ रही है बेहतरीन। तो लेते हैं इसको और आपको टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। बहुत ही ज्यादा क्रंची है, लेकिन क्रंची होते हुए भी मेल्ट इन माउथ है। ये चीज आपने पहली बार देखी होगी कि क्रंची है और मुंह के अंदर घुल रहा है, पूरे मुंह के अंदर पहली बाइट में घी घी हो गया है। और अगर आपको घी पसंद है, मैं बोल रहा हूँ प्यार हो जाएगा आपको इस मिठाई से। तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मिठाई है। हाँ, इतना नहीं है कि आप एक दिन में 1 किलो खा जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा घी होता है, बट स्वाद के मामले में बाकी सारी मिठाई एक तरफ, ये एक तरफ, आप एक बार खा लीजिए आपको प्यार हो जाएगा इससे। प्राइस इसका 780 रुपए किलो, और हम ये ट्राई कर रहे हैं गाजियाबाद में शगुन स्वीट्स पर, जहाँ से अच्छी आपको ये दिल्ली NCR में कहीं नहीं मिलेगी। और इसे आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया डिलीवरी है इसकी। नंबर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वहां से आप मंगा सकते हैं। एक बार खा लीजिएगा अगर आपको घी पसंद है, ऐसा हो ही नहीं सकता है मिठाई आपको पसंद ना आए। तो मुझे तो बेहद अच्छी लगी ये मिठाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।